हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक तरबूज यानी कि एक वाटरमेलन और हम लोगों के पास में बहुत सारे रबर बैंड्स ये हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं और आज का जो प्लान है वो सिंपली कुछ ऐसा है कि अगर हम इस तरबूज के ऊपर रबर बैंड्स लगा दें, जैसे कि यहाँ पर एक रबर बैंड अगर मैं लगा दूँ तो भाई ऐसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे रबर बैंड्स इस पे लगा लगा के ये जो रबर बैंड्स है इतनी पावर बना देंगे कि ये जो है इस तरबूज को क्रश कर दें। तो आज की वीडियो में यही टेस्ट करने वाला है, रबर बैंड्स को लगाएंगे इसके ऊपर और ये देखने की बात होगी कि कितने रबर बैंड चाहिए आखिर एक तरबूज के एक वाटरमेलन को क्रश करने के लिए। तो आपके सामने करेंगे, यहां पर गिन गिन के एक एक करके रबर बैंड्स लगाएंगे। ये जो है थोड़े छोटे साइज के, ये थोड़े बड़े साइज के, तो जो भी इसके ऊपर बढ़िया से बैठेगा वही लगाएंगे, काउंट करते रहेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आप लोग लीजिए वीडियो का मजा। वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। तो भाई फटाफट से काम पर लगते और यहां पर इसके ऊपर रबर बैंड लगाना शुरू करते और कुछ काम ही नहीं है यहां पर। तो भाई ये जो छोटे वाले रबर बैंड अंकित, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अरे एक 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 को दो चाहिए लगाने के लिए, ऐसे अंदर नहीं जाएगा ना ये। और भाई ये एकदम टाइट आया इस पे, ओ बहुत तेज खींच रहा है। गाइस गिनते रहेंगे, यहां पर दो रबर बैंड हम लोग लगा चुके हैं, ये है तीसरा, ये है चौथा, तो भाई यहां पर 20 रबर बैंड्स लग चुके हैं लेकिन अभी तक तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और सच्ची में यार ये रबर बैंड्स काफी टाइट लग रहे हैं इस पे, और लगाते हैं भाई 20 से तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हो एकदम बढ़िया परफेक्ट लग रहे हैं सारे के सारे। और ये हो गए 100। तो भाई साहब 100 रबर बैंड्स हमने इसमें लगा दिए हैं और तरबूज जो है वो हल्का सा पिचकना शुरू हुआ है हल्का सा जो है थोड़ा सा ये दब गया है, हल्का सा पिचक गया बिल्कुल जरा सा, और मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है कैमरा में कि हल्का सा बैंड हुआ है पूरा ऐसे। तो गाइज ये सारा का सारा प्रेशर इन रबर बैंड्स के द्वारा लगाया हुआ है, 100 लगा चुके हैं कितना सारा देखो, लेकिन अब तक जो तरबूज है वो कोलैप्स नहीं किया है। तो भैया हमारा तो काम ही है ये, और लगाते हैं इस पे। तो भाई पूरे 300 रबर बैंड्स इसमें लग चुके हैं, काफी टाइम हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया लगाते लगाते, बट तरबूज पिचके जा रहा है लेकिन फटा नहीं है अभी तक। तो हमारा तो काम है इसमें और लगाते हैं भाई, क्या करें अब ये लेके बैठ गए तो लगाने पड़ेंगे। चलो 300 से ऊपर, 320, और भाई यार ये तरबूज कितना प्रेशर अभी झेल रहा होगा यार, अति प्रेशर है इसके ऊपर, बेचारा ऐसे हो गया है 320 लग चुके हैं और अब जो है इसका कोई भरोसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखो ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का अलग है, बीच का हिस्सा दब चुका है और यार 320 रबर इसमें लग चुके हैं, क्या करे बेचारा ये भी। अबे ये फट नहीं रहा, 400 झेल गया तरबूज, ऐसे ऐसे हो गया। 3
5 जल्दी लगाओ आप 7 दोनों भाई साहब 9 में नहीं लग पाए, 407 रबर इसमें लगे। भाई साहब 9 में नहीं लग पाए, 407 रबर इसमें लगे। अब यार ये कैसे फटके गया देखो एक बार। ओ तेरी गाइस, अपने आप गिरा है जो हुआ है। अबे उस कैमरा पे भी जो है काफी सारा पानी आ गया है, हवा चल रही है काफी तेज, इसको साफ करो पहले। तो भाई आप लोगों ने देखा कि जो तरबूज है वो 407 रबर लगाने के बाद में फट गया और भाई साहब हवा चलने लग गई यार, एकदम से आंधी सी आ गई। लेकिन हमारा काम हो गया। यहाँ पर देखो यार किस तरीके से क्रश हुआ है। ये है वाटरमेलन के अंदर का पार्ट, देखो कितना अंदर तक का मसाला निकल के यहाँ पर फैल गया एकदम, देखो। अबे यार ये कैसा हो गया, ओहो, और ये जो है चारों तरफ फैल गया। और भाई साहब एक तरीके से एक इम्प्लोजन हुआ, एक धमाका सा हुआ, लेकिन वो धमाका ऐसे वाला नहीं था, ऐसे वाला था यानी कि अंदर की तरफ फैलने वाला था। और नीचे भी जो है आप लोग देख सकते हो कि जो वाटरमेलन है वो किस तरीके से भाई साहब बिखर गया है। देखो देखो इसके अंदर क्या हालत हो गई है। और ये रबर बैंड्स ने किया है, वो सिंपल से रबर बैंड्स जो कि देख करके हमको ये लगता है भाई ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये क्या करवाएगी। और मेरे जो है टी शर्ट के ऊपर बहुत सारा आ गया, मेरे फेस के ऊपर आ गया। आपको शक्ल जो है थोड़ी अजीब दिख रही है क्योंकि पूरे फेस पे वाटरमेलन का जूस लग गया। बहुत क्लोज थे हम लोग, 407 लग चुके थे, 409वां लगा रहे थे। तो भाई साहब ये है वाटरमेलन को खोलने का एक ऐसा तरीका जो कि बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। वाटरमेलन तो काफ़ी अच्छा है। तो भाई साहब मजा आ गया यार इस चीज में। गाइस जो रबर बैंड्स होते हैं वो यार देखो, एक रबर बैंड जो है बिल्कुल इतना ज्यादा दम नहीं लगाता, कोई भी इसको ऐसे ऐसे खींच सकता है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब 407 रबर बैंड्स मिले तो उन्होंने इतना पावर जनरेट किया कि उसने इस तरबूज के चितड़े उड़ा दिए। तरबूज को ऐसे करके उसने फोड़ डाला, ऐसे दबा के। सोचो अब कितना ही जोर लगा लो, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इस तरबूज को ऐसे फोड़ सकता है पूरे को दबा के। और देखो क्या हाल इसका हो गया, पूरा जो है इसके अंदर देखो ये इस तरीके का इसका पल्प इकट्ठा हो गया। तो भाई साहब मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। 407 यहाँ पर रबर बैंड्स लगते हैं एक तरबूज को फोड़ने में। हो सकता है कोई मोटा तरबूज हो तो ज़्यादा भी ले ले, हो सकता है कोई हल्का तरबूज हो तो कम भी ले ले, हो सकता है कोई कम पका हुआ हो तो और भी ज़्यादा ले ले, हो सकता है कोई थोड़ा सा कई दिन पहले जो है तोड़ा हुआ तरबूज हो तो वो और कम ले ले। आप समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं है कि सारे तरबूज 407 रबर लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है अब कि सारे जो तरबूज हैं वो 300 से लेकर 500 के बीच में सिमट जाएंगे, क्योंकि 300 तक इसको जो है उतना ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन 300 के बाद में एकदम से जो है दबने लगता है बढ़िया से। और भाई एक बात ये है कि आखिर वो जो 400 रबर थे वो कहाँ है, हमने खूब यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर ली। और इस तरफ में अब ये रहे, ओ तेरी ये यहाँ कैसे आ गए। ओ भाई साहब ये देखो एक बॉल बन गई है इनकी, और वहाँ हमने देख लिया था नहीं थे, लेकिन इधर पे ये पड़े हुए हैं, कुछ रबर खुले हुए भी पड़े हैं। देखो ये रहे, ये खुले हुए रबर बैंड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये जो है पूरी एक बॉल है इनकी, और ये जो है देखो कोलैप्स करके आपस में ही किस तरीके से लिपट गए हैं। और मुझे लग रहा है ये 400 तो नहीं है, मुझे लगता है ये जो है उड़ गए हैं। देखो एक बार कि किस तरीके से आपस में जो है फंस चुके हैं, और हम इनको ऐसे करके निकाल सकते हैं। हालांकि जो रबर हैं यार वो ठीक है, टूटे तो नहीं है बिल्कुल भी, तरबूज को ही फाड़ा है बस इन्होंने। देखो ये हैं सारे रबर, तो अब ये जो है सुलझ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, आया है तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।